एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात बिहार की हो रही है, नीतीश कुमार की हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि किसी के साथ चुनाव लड़ना, किसी के साथ सरकार बना लेना नीतीश कुमार की पुरानी फितरत है। लेकिन इस बार बीजेपी से उनका मोह भंग क्यों हुआ? क्यों नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया? अब हम आपको दिखाते हैं कि इस राजनीतिक ब्रेकअप की इनसाइड स्टोरी क्या है। हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया। सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग हटिए। जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लग रहा था। अपमान, साजिश, धोखा, बीजेपी से गठबंधन तोड़कर इस बार पलटी मारने की ये तीन वजहें नीतीश कुमार ने बताई हैं। पहला सवाल ये है कि बीजेपी का वो कौन सा नेता है जो नीतीश कुमार का अपमान कर रहा था। दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रच रही थी। तीसरा सवाल ये कि बीजेपी ने नीतीश के साथ धोखा किया। बिहार में सत्ता पलट की इनसाइड स्टोरी जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत तो 2020 में सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। बीच बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब दोनों के संबंध बिगड़ गए थे, लेकिन बार बार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं हुए और वो उस गठबंधन के साथ जाने को तैयार हो गए जिसे उन्होंने 2017 में भ्रष्टाचार के नाम पर छोड़ दिया था। सबसे पहले उन किरदारों के बारे में जान लीजिए जिनके चलते नीतीश कुमार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसमें सबसे पहला किरदार है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, जिनसे नीतीश कुमार की तकरार को पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा किरदार है आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश के बेहद करीबी थे, लेकिन बीजेपी से उनकी करीबी के चलते नीतीश ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तीसरा किरदार है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल और चौथा किरदार एलजेपी के नेता चिराग पासवान। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। मार्च 2022 में विधानसभा के अंदर स्पीकर विजय सिन्हा को कुछ इस तरह नीतीश ने डांट लगाई थी। नीतीश बार बार संविधान का हवाला देते रहे, लेकिन विधानसभा के भीतर ही वो स्पीकर का अपमान करते रहे। नीतीश का गुस्सा इस कदर था कि स्पीकर कहते रहे कि हमें सुनिए, लेकिन नीतीश ने कहा आप कौन हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच तकरार की वजह बनी इसी वर्ष की एक घटना। दरअसल लखीसराय विधानसभा क्षेत्र है विजय सिन्हा का, वहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोविड कानूनों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जब बातचीत हुई तो बात बनी नहीं और फिर सीधा हमला बोला विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। तब से स्थितियां और रिश्तों में खटास लगातार जारी। कहा जा रहा है कि नीतीश ने स्पीकर के सवाल उठाने को दिल पर ले लिया। वैसे ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है, शुरुआत तो 2020 में सरकार बनने के साथ ही हो गई थी, जब नीतीश की मर्जी के खिलाफ बीजेपी ने विजय सिन्हा को स्पीकर बना दिया था। नीतीश चाहते थे कि बीजेपी अपने कोटे के मंत्री और स्पीकर चुनते वक्त उनकी मर्जी का भी ख्याल रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव में कम सीटें आने की वजह से नीतीश उस वक्त चुप रहे, लेकिन जब स्पीकर विजय सिन्हा ने नीतीश के काम करने पर सवाल उठाया तो वो भड़क गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश ने उसी दिन इस्तीफा देने का मन बना लिया था। अब बीजेपी पूछ रही है कि नीतीश बताएं कि हमने कब उनका अपमान किया। अब अभी तक तो कोई स्टेटमेंट ऐसा बीजेपी के किसी नेता ने नहीं दिया जिससे उनका अपमान हो, उल्टे उन्हीं के नेताओं ने जो बयान दिया है उससे हमारी पार्टी को नुकसान करने का प्रयास किया गया। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाहते हैं।
जैसा हो, तालाब के किनारे बैठे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह नीतीश के साजिश वाले आरोप के केंद्र में हैं। नीतीश को लगता है कि आरसीपी सिंह बीजेपी का वो मोहरा है जिन्हें एकनाथ शिंदे की तरह बीजेपी उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। जिस आदमी को कहाँ से कहाँ हम बढ़ाए हैं, और उसके बाद जो काम हुआ है आगे गड़बड़, जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब लोग, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे, हम नहीं कुछ करते थे, और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई, और तभी इन सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर के अलग हो गए। नीतीश कुमार ने ही आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। आरसीपी सिंह जेडीयू की तरफ से मोदी सरकार में मंत्री थे। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में मिले मंत्री पद को लेकर नीतीश आरसीपी से नाराज थे। नीतीश सीटों के अनुपात में केंद्र में ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं हुई। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बीजेपी से चर्चा करने की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंपी, लेकिन आरोप लगा कि आरसीपी सिंह केवल एक मंत्री पद पर राजी हो गए और खुद ही मंत्री भी बन गए। कहा जाता है कि तब से ही नीतीश कुमार की नज़रें आरसीपी सिंह को लेकर टेढ़ी हो गई थी। जब आरसीपी सिंह का राज्यसभा टर्म खत्म हुआ तो नीतीश ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। नतीजा ये हुआ कि आरसीपी का मंत्री पद चला गया। इसके बाद नीतीश ने आरसीपी के करीबी नेताओं को किनारे लगाया और अंत में उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अग्निपथ योजना को लेकर जब बिहार में जबरदस्त बवाल था, तब डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर हमला हुआ। इसे लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर इशारों पर सवाल खड़े किए थे। प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? बीजेपी को लगता है कि हमले सोची समझी साजिश थी। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का नीतीश कुमार ने विरोध किया था। सिर्फ यही नहीं, गुजरे सालों में केंद्र सरकार से कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार नाराज थे। संसद के अंदर जेडीयू ने तीन तलाक, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर निर्माण से जुड़े अध्यादेश का विरोध किया था, तो संसद के बाहर एनआरसी, कॉमन सिविल कोड और अग्निपथ योजना का विरोध किया। ये तो चंद वजहें थी जिन्हें लेकर गठबंधन में खटास थी, लेकिन असल वजह थी जेडीयू के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। जिस तरह पिछले चुनाव में जेडीयू सिमट गई थी, उसे लेकर नीतीश को अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। मुस्लिम वोटों को फिर वापस पाने की लालसा में नीतीश अब बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। पटना से निधिश्री झा, मनोज्ञा लोईवाल, प्रशांत और शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।